बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.2। बट उससे पहले बेटा, हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं, हम उनको पहले एक बार गो थ्रू करेंगे। आपके पास फर्स्ट वन आ रहा है, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इन दिस सेक्शन वी परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन रैशनल नंबर्स। जी, फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इफ पी डिवाइडेड बाय एस एंड क्यू डिवाइडेड बाय एस आर एनी टू रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर्स, देन वी शैल ऐड देम एज गिवन बिलो। वो कह रहे हैं कि जब आपके पास दो फ्रैक्शंस गिवन हो, दो रैशनल नंबर्स गिवन हो, तो उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं आपके पास सेम आएंगे, तो आप उनको कैसे करेंगे? आप उनको p डिवाइडेड बाय s प्लस q डिवाइडेड बाय s इज़ इक्वल्स टू सेम आएगा, तो आप उसको ऐसे ही एज इट इज़ ले लेंगे। इन अदर केस बेटा, जब आपके पास डिनोमिनेटर्स चेंज होते हैं तो आप क्या करते हैं? LCM लेते हैं। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम हों तो हमें LCM लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम उसको एज इट इज़ ले लेते हैं। देन पी एस, आपको पता है जब LCM लेते हैं हम दोनों डिनोमिनेटर्स का, जो हमारे पास नंबर आता है उसको हम ऊपर फर्दर क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपके पास जब सेम डिनोमिनेटर्स आ जाएं तो उनके जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो हमारे पास, आपको पता है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है फिर हम उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह ये उसने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, ये आपके पास एग्जांपल है। देन आपके पास आ रहा है बी पार्ट पे, ये उसने फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी, बी में बता रहा है आपको इफ़ पी डिवाइडेड बाय क्यू एंड आर डिवाइडेड बाय एस आर एनी टू रैशनल नंबर्स विद क्यू एंड एस नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, whose denominators are different, जिनके denominators different हों, then we can add them by the following formula, हम उनको फिर different formula से add करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही थी, अब यहाँ पर आप देखें p divided by q plus r divided by s, आपने इन दोनों का LCM लिया तो आपके पास क्या आएगा? QS आएगा। तो जब आप QS को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जो आपके पास q है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो s जो होगा, आप s को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? p के साथ। PS आ गया, प्लस इस क्यू एस को इस एस के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आप इस क्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? आर के साथ। तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा? आर क्यू। ये उसकी यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। देन नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा यहाँ पे आपके पास एडिशन की बात हो रही थी, यहाँ पे किस चीज़ की आ गई है? सब्ट्रैक्शन की बात आ गई। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए, कंसीडर टू रैशनल नंबर्स पी डिवाइडेड बाई एस एंड क्यू डिवाइडेड बाई एस विद द सेम डिनोमिनेटर्स, दी डिफरेंस इज एज अंडर। डिफरेंस शो कर रहा है बेटा सब्ट्रैक्शन को। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जब आपके पास सेम हैं तो यहाँ पे आपके पास LCM में क्या आ रहा है? S आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास किस चीज़ का बेटा डिफरेंस आ रहा है? माइनस में आ रहा है। यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे किस में था आपके पास? माइनस में। जी, नेक्स्ट पेज निकालें। जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ रहा है कंसीडर टू रैशनल नंबर्स p divided by q and r divided by s with the difference denominator, the difference of p q would p divided by q minus r divided by s is as under अब देखिए p divided by q minus r divided by s, आपने इनका LCM दिया, आपके पास क्या आ गया? QS। ऐसे ही आपने जैसा प्रीवियस एडिशन में किया था, आपने इस QS को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? q के साथ। तो देखें ये Q और Q क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये S आपको किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? P के साथ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पी एस। क्यू एस मल्टीप्लाई विद S, आपके पास S एंड S क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बेटा इस Q को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? R के साथ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर क्यू और आपके पास सेंटर में डिफरेंस का साइन आ जाएगा। ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर है, आप फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा 10 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ में से आपने 10 रुपीज़ क्या कर दिए हैं? आपने स्पेंड कर दिए हैं ऑन योर चिप्स, ऑन योर चॉकलेट। तो आपके पास कितने आएंगे रिमेनिंग? हाउ मच योर रिमेनिंग मनी? ज़ीरो। इसी तरह आपके पास ये एडिटिव इनवर्स है, जो कंसिडर दैट पी डिवाइडेड बाई क्यू एंड माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू आर एनी टू रैशनल नंबर्स, देन वी कैन एड देम बाई द फॉलोइंग मेथड। पी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस ब्रैकेट माइनस पी q
क्यू। देखें अब आपके पास एडिटिव इन्वर्स के लिए आपने इसको जीरो कंडीशन पे लेके आना है, जीरो आपने इसको करना है। तो अगर ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इनके सेंटर में आपके पास आएगा एडिशन का साइन इज इक्वल्स टू, ये देखें माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस पी क्यू। यहाँ पर उसने इसकी अरेंजमेंट चेंज की है, तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास क्या हो गया, जीरो। वी कैन एग्जामिन द सम ऑफ द दिस टू रैशनल नंबर्स इज जीरो, हैंस टू रैशनल नंबर्स पी डिवाइडेड बाई क्यू एंड माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच अदर एंड जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल वन डिवाइडेड बाई टू एंड माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एंड माइनस थ्री, थ्री एंड माइनस थ्री माइनस फाइव डिवाइडेड बाई इलेवन एंड द फाइव डिवाइडेड बाई इलेवन। अब देखें बेटा ये पॉजिटिव नंबर था, ये किस में चेंज हुआ, नेगेटिव में, एडिटिव इन्वर्स को प्रूव करने के लिए। ये थ्री था, ये किस में हुआ, थ्री में, क्योंकि थ्री प्लस ब्रैकेट माइनस थ्री आप करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव में चला गया, एक्सेट्रास ऑल आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच नंबर। जी अब हम करते हैं नेक्स्ट, आपके पास आता है मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर्स बाय द गिवन रूल। रूल वन, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर ऑफ वन रैशनल नंबर बाय द न्यूमिनेटर ऑफ द अदर नंबर्स, अदर रैशनल नंबर। सिमिलरली मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द अदर रैशनल नंबर। ये अब आपको यहाँ पे वो बता रहा है, पी डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई एस। अब देखिए उसने पी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से, और क्यू को किसको मल्टीप्लाई कर दिया उसने, एस से। अगर आप इसी तरह नीचे एग्जाम्पल में देखें बेटा, एग्जाम्पल में भी वो इसी तरह ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रही है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। वट इज़ मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, पहले आपने पढ़ा है एडिटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स आपके पास क्या होगा। मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में बेटा आपने वन करना है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स जो होता है ये आपके पास वन में आता है। कंसीडर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स पी डिवाइडेड बाई क्यू एंड क्यू डिवाइडेड बाई पी, वे पी नॉट इज इक्वल्स टू जीरो एंड क्यू नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब बेटा डिनोमिनेटर में आपके पास जीरो जीरो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर हूँ, आपके पास वो कंडीशन दे रहे हैं पी नॉट इज इक्वल्स टू जीरो एंड क्यू नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। वी फाइंड देयर प्रोडक्ट एज अंडर, ये उससे नीचे आपको प्रोडक्ट बताया हुआ है, पी डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाई क्यू डिवाइडेड बाई पी। आपने न्यूमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर को आपने देखें न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। पी क्यू पी क्यू आपके पास दोनों क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं, सेम नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट सपोज इट यहाँ पे भी टू हो और न्यूमिनेटर में भी टू हो और डिनोमिनेटर में भी, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। बिल्कुल इसी तरह ये उसने यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिए हैं, जब वेरिएबल्स कट हो गए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगा तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वी कैन नोटिस दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज वन, हैंस टू रैशनल नंबर्स पी डिवाइडेड बाई क्यू एंड क्यू डिवाइडेड बाई पी आर known as the multiplicative inverse of each others and one is called the multiplicative identity। ये उसने यहाँ पर आपको बता दिया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी, वन होगी। यहाँ पर बेटा वो आपको फर्दर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। नहीं बच्चों भी हमारे डिवीजन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स रहते हैं, पहले इनको देख लें। वी नो दैट डिवीजन इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, सो वी कैन डू द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर वन स्टेप इज फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने, इनवर्स ऑफ डिवाइजर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ डिवाइजर। एंड द सेकेंड वन इज द मल्टीप्लाई इट बाय द डिविडेंड्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। पी डिवाइडेड बाई क्यू, ये डिवाइड का साइन है, आर डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल्स टू। बेटा आपने इसको क्या किया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दिया है। मतलब कि आप इसको कह सकते हैं हमने इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में आप ले गए हैं, पी डिवाइडेड बाई क्यू फर्स्ट जो आपके पास आ रही फ्रैक्शन या आपने इसी तरह लिखी मल्टीप्लाई एस डिवाइडेड बाई आर, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ये आपके पास था डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास आता है फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ रैशनल नंबर। जी नेक्स्ट पेज अपना ओपन करें आप लोग, 27। जी पेज नंबर 27 पे आपके पास है फाइंडिंग रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स। कंसीडर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर 3 डिवाइडेड बाई 7 which is made up of two integers, 3 as numerator and the 7 as denominator. If we interchange the positions of the integers in the numerator and denominator, we get another rational number 7 divided by 3.
मतलब वो कह रहे हैं आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में अगर चेंज कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर रहे हैं, मतलब इंटरचेंज में आ रहा है, तो ये आपका बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? रेसिप्रोकल का होगा। इन द जनरल फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर पी डिवाइडेड बाई क्यू, वी हैव अनदर नॉन जीरो रैशनल नंबर क्यू डिवाइडेड बाई पी। क्यू डिवाइडेड बाई पी इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ पी डिवाइडेड बाई क्यू। The numbers 7 divided by 3 and 3 divided by 7 are reciprocal of each other. Likewise, जैसे आपको उसने पीछे सारी बेटा एडिटिव की और मल्टीप्लिकेटिव की एग्जांपल्स दी हैं, यहाँ पे भी वो आपको यही दे रहा है। 9 divided by minus 13 और minus 9 divided by 13 is a reciprocal of, इनका reciprocal क्या होगा? minus 13 divided by 9 and the minus 105 113 is the reciprocal of 113 divided by minus 105 or minus। मतलब माइनस का साइन आप न्यूमिनेटर में लेके जाएं या डिनोमिनेटर में, डजेंट मैटर। वी ऑब्जर्व फ्रॉम हियर दैट इफ क्यू डिवाइडेड बाई पी इज द reciprocal of p divided by q and the p divided by q is the reciprocal of the q divided by p। In other words, p divided by q and q divided by p are the reciprocal of each other। मतलब कि बेटा ये दोनों एक दूसरे के reciprocal होंगे। देखिए यहाँ भी ये न्यूमिनेटर था और ये क्या था? डिनोमिनेटर। जब reciprocal में लेके आए, ये डिनोमिनेटर हो गया और ये क्या हो गया आपके पास? न्यूमिनेटर हो गया। सॉरी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.2। बेटा इसमें से मैं कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स आपको सॉल्व करवाऊँगी और बाकी मैं आपको सॉल्ट दे दूंगी, लेकिन आपने सबसे पहले खुद कोशिश करनी है, आप उसको सॉल्व करें, देन आप मेरे सॉल्यूशंस के साथ उनको मैच करेंगे। जी अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एडिटिव इनवर्स एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट इज -7। बेटा माइनस सेवन का सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे एडिटिव इनवर्स, देन गो फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपके पास सारे बेटा एडिटिव इनवर्स। आपने एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि आपके पास अगर कोई नंबर नेगेटिव में होगा तो आप इसमें चेंज करेंगे पॉजिटिव में। If in this condition भी कोई positive हो तो आप उसको किसमें change करेंगे? Negative में। अब आपको जो ये वाला first part given है बेटा, ये कौन सा number है? -7। तो आप -7 का जो additive inverse देंगे वो आपके पास क्या आएगा? +7 आएगा। जी बेटा ये आप सबसे पहले लिखें additive inverse of -7 is 7। -7 का आपके पास क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो आपने इसको जब इसको चेक करना है, चेक आपने जरूर करना है बेटा सारे पार्ट्स को। आपके पास चेक आता है ब्रैकेट -7 + 7 = -7 and +7 बेटा माइनस, ये नेगेटिव है और ये आपके पास पॉजिटिव है, तो 7 में से 7 माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 0। दिस इज एडिटिव इनवर्स। देन नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या प्रॉपर्टी यूज होती है? आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके पास अगर -7 है तो -7 बेटा किसमें चला जाएगा आपके पास? आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7 इज -1/7। लेकिन जब आप इसको माइनस मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे तो -7 - 7 से क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। आप इसको चेक करें -7 × -1/7, दिस 7 कैंसिल विद -7 and -7, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? इधर 1। ये माइनस माइनस भी क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका? 1। सो
additive inverse of equals is equals to minus 7 multiplicative is equals to minus 20 divided by 7. ये बेटा आपका सोल्यूशन था इसका फर्स्ट पार्ट का. सेम एज इट इज आपके सारे पार्ट्स हैं और आप इनको इसी तरह सॉल्व करना है. यही मेथड है. आप पता है मेथड के मार्क्स है. आप इसी तरह हेडिंग दें एडिटिव इनवर्स की, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ द माइनस 7 इज प्लस 7 चेक की हेडिंग दें, उसको आप सॉल्व करें, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसकी आप हेडिंग दें और आगे आप सॉल्व करें. और बेटा चेक आपने मस्ट करना है हर पार्ट का, कोई भी पार्ट आपका स्किप नहीं होना चाहिए. अब आपके पास है सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 23. एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. एडिटिव इनवर्स ऑफ 23 इज माइनस 23. चेक आप करेंगे 23 प्लस माइनस 23. 23 पॉजिटिव और ये नेगेटिव. आपको पता है अलजेब्रा में आप लोगों ने बेटा साइंस किए थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो वो क्या होता है आपके पास नेगेटिव नंबर हो जाता है. तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो के ऊपर. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 23 इज 1 डिवाइडेड बाई 23. फ्रैक्शन में चला गया. चेक आप करें इसको 23 मल्टीप्लाई 23 ये आपके पास कैंसिल हुआ तो आपके पास इसका क्या आंसर आ गया. पर चेक कंप्लीट हो गया. सो एडिटिव इनवर्स आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ रहा है, माइनस 23 और आपके पास इसका इनवर्स में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आपके पास क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 23. बेटा ये था आपके पास सेकंड पार्ट का सोल्यूशन. बाकी आपके जो पार्ट्स हैं वो सारे मैं आपको सॉल्व करके दे देती हूँ और आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं और फिर आप उनके साथ मैच करेंगे कि क्या आपके आंसर्स ठीक हैं कि नहीं. जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इज माइनस 11. माइनस 11 का एडिटिव इनवर्स आप देंगे बेटा 11 आ जाएगा. आप उसको चेक करना है, आपका चेक में आंसर क्या आ जाएगा, जीरो. देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपके पास माइनस 11 को अपने जो सॉल्व करेंगे. माइनस 11 इज 1 डिवाइडेड बाई माइनस 11. चेक किया आपने माइनस 11 से कैंसिल आउट हो गया. सो एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू 11. देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 11 जो आपने यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए पुट किया था, ये आपके पास आंसर में आ गया. नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट आ रहा है बेटा, वो आपके पास फ्रैक्शन में उसने गिवन किया है. आपके पास न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है. देखिए आपके पास एडिटिव इनवर्स के लिए पॉजिटिव आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 3 तो आप उसको इसमें चेंज कर लिए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. चेक किया आपने उसको 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ब्रैकेट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 वही फॉर्मूला आपके पास अलजेब्रा का जो मैंने आपको रिमाइंड करवाया पहले कि प्लस माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास किसमें चले जाता है, माइनस में चले जाता है. 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 आपने सॉल्व किया, आपके पास क्या आंसर आ गया, जीरो. देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सेम वही फॉर्मूला यूज हो रहा है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है. 1 डिवाइडेड बाई 3 आपको फ्रैक्शन गिवन थी. पहले आपको यहाँ पे जस्ट नंबर गिवन था और इंटीजर और आप उसको आगे चेंज करते थे फ्रैक्शन में ले आते थे. अब यहाँ पे आप क्या करें, 1 डिवाइडेड बाई 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करें 3 से. 3 से कैंसिल आउट हुआ इज इक्वल्स टू 1 आंसर. और ये आपने लास्ट के लिए वाली इसकी फॉर्म मस्ट राइट डाउन करनी है. नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स की आपके पास है फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट. फिफ्थ पार्ट है आपके पास माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 एंड द नेक्स्ट वन इज 6. सेम प्रोसीजर बेटा लास्ट क्वेश्चन वाले हो रहे हैं अप्लाई. ये आपको एज नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप इनको एक बार देखें और इनको फिर सॉल्व करें. जी स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे. आपने फर्स्ट पार्ट में भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एडिटिव इनवर्स दिया है माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 कर लिया तो आपके पास क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई 7. आपने उसके ऊपर चेक अप्लाई किया, चेक किया तो आपका जीरो आ गया. देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 इज
माइनस सेवन डिवाइडेड बाई टू डॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई हुआ, आपके पास आंसर क्या आ गया, वन. देन द सिक्स पार्ट इज सिक्स, एडिटिव इनवर्स पे आप उसको लेके जाएंगे तो आपके पास उसका क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव आ जाएगा, माइनस सिक्स आ जाएगा. तो माइनस सिक्स को बेटा आपने वही चेक अप्लाई किया एडिटिव इनवर्स का, आपके पास जीरो आ गया. देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ सिक्स इज वन डिवाइडेड बाई सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाई वन डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू वन. Additive inverse is equals to minus 6 and the multiplicative inverse is equals to 1 divided by 6. Now, part number 7 and 8. Dear students, 7th part hai aapke paas 1. 1 ka additive inverse hai aapke paas negative maana jata hai. Wo bhi beta aapne check apply kiya. Plus minus, aapke paas plus minus kya ho jayenge, multiply ho jayenge, minus to ya aapke paas 0 aa jayega. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको पता है 1 को ऐसी प्रॉपर में लेके जाना था, तो बेटा ये कंडीशन आनी थी, आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1, आपने इसको सिंपलीफाई किया. अगर आप ये लिखे 1 डिवाइडेड बाय 1, ओके, इफ अगर आप ये वाली 1 जस्ट लिखेंगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा. नेक्स्ट, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 13, एडिटिव इनवर्स ऑफ द माइनस 6 डिवाइडेड बाय 13 इज 6 बाय 13. नेगेटिव इसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव में चेक अप्लाई किया तो आपके पास जीरो आ गया. देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई 13 इज माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हुआ, हेंस योर आंसर इज एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 13 एंड माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. जी स्टूडेंट, 9th पार्ट इज 1 डिवाइडेड बाई 100, एडिटिव आप इनवर्स देंगे इसका, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100 में चला जाएगा, चेक आप करेंगे आपका आंसर जीरो आ जाएगा. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बेटा पहले आपने इसके 8 पार्ट्स कर लिए हैं, सेम वही स्टेप्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, जस्ट आपको मैं एज अ नोट्स आपको ये दे रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप यहाँ से मैच कर सकें. ये आपके पास 9th पार्ट है और ये आपके पास है 10th पार्ट. इसी तरह मैं आपको भी 11 और 12th भी करवा देती हूँ. प्लीज आप सब इसको देखें, ये आपने यहाँ पर कर लिया एडिटिव इनवर्स. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आपके पास वही रेसिप्रोकल आपने लिया उसका, आपके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिया तो ये 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा. दिस वन इज एडिटिव इनवर्स एंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. नेक्स्ट वन इज 18 डिवाइडेड बाई 27, 18 डिवाइडेड बाई 27 को आपने इसमें चेंज किया, नेगेटिव में किया एडिटिव इनवर्स को सॉल्व करने के लिए, आपने इसको चेक अप्लाई किया आपका आंसर जीरो आ गया. देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 27 इज 27 डिवाइडेड बाय 18, आपने चेक अप्लाई किया, चेक इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपके पास सारी कटिंग हो जाएगी, एडिटिव इनवर्स इज माइनस 18 डिवाइडेड बाय 27 एंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 27 डिवाइडेड बाय 18. नाउ पार्ट नंबर 11 एंड 12. Students, 9th part is minus 99 divided by 100. Additive inverse पर लेंगे आपके पास हो जाएगा ये positive 99 divided by 100. Check apply किया 0. Then multiplicative inverse is minus 99 divided by 100 is minus 100 by 99. Cross multiplication में cancel out हुआ और ये आपके पास आ गया 1. ये आपके पास additive inverse आ गया और ये multiplicative. Last one is 12th part 102 divided by 117. एडिटिव इनवर्स बेटा आपने लिया, उसके ऊपर आपने नेगेटिव को अप्लाई किया क्योंकि आपके पास से पॉजिटिव था तो इसलिए वो नेगेटिव में चेंज हुआ. देन आपने चेक अप्लाई किया, जीरो आ गया. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपके पास 102 डिवाइडेड बाय 117 इज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो गया, आपने चेक अप्लाई किया इज इक्वल्स टू 1. सो एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस 102 डिवाइडेड बाय 117 एंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू 117 डिवाइडेड बाय 102. जी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंपलीफाई द फॉलोइंग. बेटा आपने सिंपलीफाई करने हैं, कुछ उन्होंने आपको सॉल्यूशंस दिए हैं, आपको रेशनल नंबर्स दिए हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं. क्वेश्चंस ये देखें, 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस ब्रैकेट माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8, इसको बच्चे आपने क्या करना है, सॉल्व करने. यहाँ भी देखें आपके पास
सबसे पहले जो ब्रैकेट है आपने इसको सॉल्व करना है 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस माइनस मल्टीप्लाई ऑफ द ब्रैकेट्स में चेंज हो जाएगा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8 व्हेन यू हैव सेम डिनोमिनेटर्स जब आपके पास सेम डिनोमिनेटर्स होंगे तो आप उसको क्या करेंगे एलसीएम में भी वही नंबर को देंगे बेटा अगर आप 8 को 8 के साथ डिवाइड करते हैं आपके पास आंसर क्या आता है क्वेश्चन में 1 उस 1 को आपने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम्स 1 प्लस 8 को 8 पे डिवाइड किया 1 5 टाइम्स 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 8 अब आप देखें 6 भी इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है या प्लस 2 के टेबल सिंपलीफाई हो सकते हैं जी इसको फर्दर सिंपलीफाई करें 2 3 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स अब आपके पास ये ऑड में चले गए और ये इवन में और ये आपका फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकता तो ये आपका आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट है जो आपके पास सेम एज इट इज यही पार्ट्स आपके पास रह गए हैं अब आगे आ जाए सेकंड पार्ट है आपके पास -99 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 100 जी स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन देखिए आप एलसीएम में देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स ही है हमें यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा सिंपलीफाई किया बेटा सॉरी यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर्स आपके पास क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा 100 100 को 100 पे डिवाइड करें तो क्या बच्चों आंसर आता है 1 उस 1 को आपने -99 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 को 99 से माइनस से करेंगे तो -99 आंसर आ जाएगा प्लस ये वाला साइन 100 को 100 पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई विद 77 अब आपने क्या करना है ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को क्या करना है माइनस करना है आपने अलजेब्रा का रूल ये वाला याद रखना है कि आपने करना माइनस है लेकिन ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होगा आप वो क्या लिखेंगे आंसर में लिखेंगे जी बच्चे देखें 90 -99 है ना तो आपने 99 से क्या माइनस करना है 77 2 and 2 यहाँ पे आपके पास आता है 22 ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या आ रहा है आपके पास -99 माइनस का साइन आ गया और ये आपके पास क्या आ गया 100 अब देखिए आपके पास -22 और 100 आ रहे डिनोमिनेटर में तो दोनों आपके पास क्या है इवन नंबर है ये आपके क्या हो सकते हैं कैंसिल हो सकते हैं अगर आप इसको कैंसिल करें तो टेबल पे माइनस का साइन 2 1 times 2 1 times 100 को आप करें आगे 2 5 times 10 and 0 दिस वन इज योर आंसर ये बच्चा आपका आंसर आ गया बेटा ये फुल जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके पार्ट्स सेम ही है मैं आपको 3 4 5 6 पार्ट सॉल्व करके दे रही हूँ और उससे नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाती हूँ स्टूडेंट थर्ड पार्ट इज 3 divided by 4 plus 4 divided by 3 अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट के हिसाब से पास डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे एलसीएम बेटा आप उनको लेना आता है एलसीएम में जो ये फैक्टर्स आएंगे आप उनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 times 4, 4 3 times 12 ये आपके पास एलसीएम आ गया अब आपने 4 को 12 को किस पे डिवाइड किया 4 पे किया तो बेटा जब आपने किया तो आपके पास क्वेश्चन क्या आया आपके पास 3 इस 3 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 times 9 प्लस इसी तरह आपने 12 को 3 पे डिवाइड किया 3 4 times 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आया 16 9 और 16 को आपने क्या कर देना है यहाँ पे ऐड करना है ऐड किया तो आपके पास आ गया 25 divided by 12 देखें ये आपके पास न्यूमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 12 2 times 24 माइनस किया आपके पास आंसर क्या आया 1 2 whole 1 divided by 2 12 इज योर आंसर नेक्स्ट 1 divided by 5 -3 divided by 20 बेटा डिनोमिनेटर चेंज है जब डिनोमिनेटर चेंज है आपने अगेन क्या किया आपने एलसीएम लिया फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया 20 आया 25 के अगर आप उसको डिवाइड करें तो आपके पास 5 के टेबल में किस फैक्टर में किस नंबर के साथ आपका 20 आता है 4 के साथ आपने 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 1 times 4 माइनस 21 times 21 मल्टीप्लाई विद 3 3 1 times 3 4 minus 3 के आपके पास क्या आ गया 1 divided by 20 इज योर आंसर नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज 1 plus (-49)/50 बेटा ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उनको पहले सिंपलीफाई करें प्लस माइनस 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 आ गया जब आपके पास 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो आपने जस्ट सपोज कर लेना इसके नीचे 1 है ओके डिनोमिनेटर में 1 है आपने इसका एलसीएम डायरेक्ट जो आपके पास गिवन है आपने उसको लिखा 50
यहाँ पे जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिविजिबिलिटी में आपको इस क्वेश्चन में 50 आएगा, 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 50 - 49 = 1/50 is your answer. सेम एज इट इज, यहाँ पे आपने जब सिंप्लीफाई किया माइनस आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, बट सिर्फ ये चेंजिंग है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. यहाँ पे 101 था, जैसे आप इस क्वेश्चन में कर रहे थे होल नंबर को चेंज, आप इसके लास्ट उसको होल नंबर में चेंज कर दे रहे. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. जी स्टूडेंट, 7 पार्ट है आपके पास. 1/11 प्लस ब्रैकेट -5/11 ब्रैकेट प्लस 10/11. बेटा यहाँ पे आपके पास 3 फ्रैक्शन आ गई हैं, 3 आपके पास फ्रैक्शन नंबर्स आ गए हैं, पहले आपके पास 2 थे. अब इनको सॉल्व क्या करना है, बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस की तरह आप इनको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो ब्रैकेट वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं कि हमारा वो वाला जो साइन है ऑपरेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए. 1/11 प्लस माइनस -5/11 प्लस 10/11. अब आप देखिए इन तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है. सेम डिनोमिनेटर्स होंगे तो आप क्या ले लेंगे, वही डिनोमिनेटर आपका ऐसा एलसीएम आ जाएगा 11. 11 को 11 पे डिवाइड करें 1 टाइम्स 1 माइनस 11 को किया बचा फिर 1 आया -5 प्लस 1 आया 110 टाइम्स 10. इसको सिंप्लीफाई करें -5 प्लस 1 प्लस में से पहले आप प्लस वाले देखते हैं 10 और 1 कितना होता है 11. 11 में से 5 माइनस कर दें ग्रेटर वैल्यू में से साइन आपके पास क्या है पॉजिटिव है, आप उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6/11 इज योर आंसर. बेटा ये आपके पास था इसका 7th पार्ट. अब आप नेक्स्ट हम करते हैं 8th पार्ट. 8th पार्ट है आपके पास 13/23 -10/23 प्लस 4/23. सबके सब डिनोमिनेटर्स सेम है, ब्रैकेट वाला हमारे पास यहाँ पे स्टेप है ही नहीं. जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप उसको क्या ले लेंगे, वही एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे. 23 को 1 पे डिवाइड किया 1/13 टाइम्स 13 माइनस 23 को 23 पे डिवाइड किया 1/110 टाइम्स 10 प्लस इसी तरह बेटा इधर आ जाएगा 4 प्लस का 13 प्लस का 14 13 + 4 = 13 + 4 = 14 15 16 17 माइनस 10 करेंगे तो बेटा आपको इसका आंसर आ जाएगा 7/23 इज योर आंसर. ये आपके पास था 7th पार्ट. अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 इज -1/2 प्लस -1/5 प्लस 9/10. सिंप्लीफाई करें सबसे पहले साइंस को. -1/2 प्लस -1/5 प्लस 9/10. बच्चे आप क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लो सबसे पहले 2, 5 and 10. 2 1 times 5 as it is यहाँ पे आ जाएगा 5. 5 1 times 5 1 times ये 1 आपके पास आ रहा है. इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 5 times 10 इसका एलसीएम आपके पास क्या आ गया 10. डिवाइड करें जी 2 5 times 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें -5 5 2 times -2 10 1 times + 9 जी बेटा. अब प्लस का 9 -5 and -2 माइनस माइनस क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन -7 में आ जाएगा. माइनस आया और ग्रेटर वैल्यू का साइन +9/10 -7 + 9 सिंप्लीफाई करें आपके पास क्या आ जाता है 2/10. बेटा 2 आपके पास 2 इवन नंबर है और 10 आपके पास क्या आ रहा है 10 भी इवन नंबर ही आ रहा है. ये आपके पास अगर आप देखें कैंसिल हो रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर. 2 1 times 2 and 2 5 times 10 दिस वन इज योर आंसर. बट आई होप आप सबको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. नेक्स्ट पार्ट्स में आपको जस्ट एज अ नोट्स दे रही हूँ, आप लोगों ने खुद करने और यहाँ से मैच करने. जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 इज 1/8 + 1/9 -15/8. बट आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम किया, एलसीएम को आपने सिंप्लीफाई किया, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 72.
72 को आपने 8 के साथ डिवाइड किया, ये देखें 72 को 8 के साथ डिवाइड किया आपके पास 9 आया, इस 9 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन 72 को किससे डिवाइड किया 9 से, 9 से क्या आपके पास ये क्या आंसर आया 8, इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 की टेबल पे आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 72 को 4 टाइम्स आता है आपके पास 72, 4 को आपने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाले सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई करके आप ये लिखेंगे 91 टाइम्स 8, 91 टाइम्स 9, 81 टाइम्स 8, माइनस 15 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया है 60 हो गया। आपने इन दोनों को ऐड किया तो आता है आपके पास 17 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 72, माइनस किया ये आपने माइनस किया 60 में से 17 को, तो ये आपके पास आंसर क्या आया है यहाँ पे 43 डिवाइडेड बाई 72। अब आप देखिए 43 के साथ नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ग्रेटर नंबर के साथ क्या था, माइनस का साइन था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 इज माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, माइनस माइनस 17 डिवाइडेड बाई, माइनस माइनस सिंप्लीफाई किया आपके पास क्या बन गया प्लस, सारे डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई किया, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आता है 24। बेटा सेम यहाँ पे जैसे आपने डिवाइड करके हर नंबर को चेक किया था, इसी तरह वहाँ पर मैंने आपको रेफरेंस में करके दिया है, आप वो करेंगे वहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास सारे उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि देखिए 24 को 4 पे किया तो क्या आया 6, माइनस 3 माइनस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका बन गया माइनस 18। यहाँ पे आपने 6 को 24 के साथ किया तो क्या आता है 4, 4 को 5 से किया मल्टीप्लाई 20, 18 को सॉरी 8 को आपने 24 वो देखें यहाँ पे ये किया हुआ है डिवाइड किया तो 3 आया, 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 15। 51 जब आपके पास आया माइनस 18 और माइनस 20 आपके पास, अगर आप इनको ऐड करें माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा तो ऐड किया तो क्या आया 38 आया, प्लस 51 आ गया, प्लस 51 एंड माइनस 38 आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया 13 डिवाइडेड बाई 24 इज योर आंसर। ये बेटा आपके पास थे 11 पार्ट। नाउ लास्ट एंड पार्ट इज पार्ट 12। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट इज 12 पार्ट, 1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 प्लस माइनस को आपने सिंप्लीफाई करना है तो माइनस बन जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 5। आपने सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम दिया, एलसीएम दिया 11 1 टाइम्स 10 एज इट इज 5 आ गया, 5 2 टाइम्स 5 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 11 सॉरी 5 2 टाइम्स 10 ये आपने 10 लिखा, इस 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया आपके पास एलसीएम क्या आ गया 110। अब 110 को आप 11 के साथ भी डिवाइड करेंगे, 10 पे भी करेंगे और 5 पे भी, यहाँ पे मैंने क्लियर डिवाइड किए हर क्वेश्चन को, मतलब कि आप 11 को 110 के साथ कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है 10, इस 10 को आपने डिनोमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह आपने 11 को 11 के साथ कर देना है, 22 को 22, इसका अगर आप 5 के साथ करें तो 22 आंसर आता है, आप इसको 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 1 टाइम्स 10, 11 11 टाइम्स 1 21, 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया 484, सिंप्लीफाई किया 121 के साथ 10 ऐड करो तो आपको इसका आता है 131 माइनस 484। अब बेटा आपने 131 में से माइनस 484 में से माइनस में से आपने 131 क्या करना है माइनस करना है, आपने माइनस किया आपके पास क्या आया 353, ग्रेटर वैल्यू का साइन किया है नेगेटिव, आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। अब आप देखो आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो क्या आ रहा है ग्रेटर आ रहा है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो आपने इसको क्या करना है डिवाइड कर देना है 110 के साथ, 110 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 330 आता है, 330 स्मॉलर देन 353 तो आपने इसके नीचे लिखा माइनस किया तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 23, आपने 3 एज अ होल नंबर 23 डिवाइडेड बाई 10, अगर आप इसको रीचेक करें तो आपके पास ये दोबारा यही नंबर बनाएंगे 353, सो योर आंसर इज माइनस 323 डिवाइडेड बाई 10। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई, बेटा आपने सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4। बेटा सबसे पहले आप इसमें देखें आपके पास क्या ये पॉसिबिलिटी है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपके पास ये पार्ट सॉल्व हो जाए, यस इट इज पॉसिबल, 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9 हो गया कैंसिल, 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 2 टाइम्स 8, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 1 टाइम्स 2, 3 1 टाइम्स 3, दिस वन इज योर आंसर।
सेकंड पार्ट है आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10। जी बेटा, इस पार्ट में आपके पास देखिए क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है आपका एक जो कोई भी एक ऐसा नंबर हो जिसके साथ आपकी सेम टेबल के साथ सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर पॉसिबल हो। 50 और 10 को देखें बच्चों, ये तो पॉसिबल है क्या? 7 और 51 पॉसिबल है? 7 और 51 कोई ऐसा 7 का मल्टीपल है कि जिसके अंदर आपके पास 51 आता हो? नो बेटा, ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जिसके अंदर हमारे पास 51 आ रहा हो। तो हम बच्चों क्या करेंगे, 10 1 times 10 10 5 times 50। आपने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 multiplied by 7 51 multiplied by 1, 5 7 times 35 and 51 1 times 51, this one is your answer। ये बेटा आपके पास थे first two parts। Next आ जाए part number 3। Student, third part is 121 divided by 169 divided का sign 11 divided by 30। जी स्टूडेंट्स, आपने रेसिप्रोकल पढ़ा था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, तो अब यहाँ पे बेटा वो अप्लाई होगा उसका फॉर्मूला 121 डिवाइडेड बाय 169। डिवीजन का साइन किसमें चेंज होगा? मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम सेकंड फ्रैक्शन को क्या करने लगे हैं? रेसिप्रोकल में चेंज करें। इट्स मीन बेटा जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 11। जी अब आपके पास ये आ गया मल्टीप्लीकेशन में। अब आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऐसा मल्टीपल हो कि हमारे पास दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 11 1 times 11 11 11 times 121, 13 1 times 13 13 13 times 169। बेटा 11 को 11 1 से मल्टीप्लाई करें, 11 13 1 times 13। तो जो ये आपके पास आ गया सिंपल इसका आंसर थर्ड पार्ट का। नाउ फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट हम देखते हैं वो हमारे पास है 5 divided by 7 5 divided by 7 divide 35 divided by 40। बच्चे यही यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है, रेसिप्रोकल में फ्रैक्शन को चेंज करेंगे आप, 5 divided by 7 multiplied 40 divided by 35, 5 1 times 5 5 7 times 35। 7 और 40 बेटा हमारे पास नहीं पॉसिबल, तो हम इसको कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा जिसके ऊपर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो बच्चों आप इसको क्या करेंगे, 41 times 40 and 7 times 49। न्यूमिनेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर आपके पास ग्रेटर आ रहा है, दैट्स इट, दिस वन इज योर आंसर। बेटा सारे के सारे पार्ट्स आपके सेम एज इट इज ऐसे ही सॉल्व होंगे, बाकी मैं आपको एज अ नोट्स में आप लोग को सारे प्रोवाइड कर रही हूँ। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है आपके पास -15 divided by 28 multiplied 14 divided by 30। ब्रैकेट्स ओपन किए, 15 1 times 15 2 times 30। सिंप्लीफाई करें, 2 7 times 14 2 1 times 2 and 2 4 times 8। नाउ 7 1 times 7 and 7 2 times 14। ये आपको सिंप्लीफाई करके आ गया 2 आंसर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन -1, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4। यहाँ पे आपने कर लिया इसका बेटा सिक्स पार्ट में ऐसी होकर 111 divided by 100 divided को मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आपके पास इंटरचेंज हो गया 111 1 times and 2 times 222, 101 times and 103 times 300, 31 times 3 to 1 times 2। आपके पास न्यूमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, होल नंबर में आपके आंसर को लिखा। सेवन पार्ट इज 3 divided by 2 डिवाइड साइन, 4 divided by 9 मल्टीप्लाई 16 divided by 81। बेटा सबसे पहले अब आपने जो डिवीजन वाली फ्रैक्शन है उसको आपने रेसिप्रोकल में चेंज करना है। रेसिप्रोकल में चेंज करने का मतलब ये कि आप 4 divided by 9 को 9 divided by 4 में चेंज करेंगे। 4 divided by 9 में बेटा जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चेक करनी है। पहले आप दो फ्रैक्शंस की करते हैं, यहाँ पे आपके पास है 3 फ्रैक्शंस। जब आपके पास 3 फ्रैक्शंस
फंक्शंस हैं तो आप यहाँ इसको सिंपलीफाई करेंगे बेटा, ये देखिए यहाँ पर टू वन टाइम्स टू टू एट टाइम्स आपके पास आ रहा है 16, थ्री वन टाइम्स थ्री थ्री टू टाइम्स सिक्स टू टाइम्स सिक्स और यहाँ से आपके पास सिक्स में से अगर आप एट में से सिक्स माइनस करें क्या आता है टू, तो ये वन के साथ जब टूट जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे 3×21 होता है 7 टाइम्स, ये आपके पास आ गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन चेक करें 4 1 × 4 4 2 × 8 9 1 × 9 9 3 × 27, तो अगर आप देखें न्यूमिनेटर में ऊपर वाली फ्रैक्शन में 1 1 1 1 2 2, यहाँ पे आ गया आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 1 1 × 1 1 3 × 3, दिस वन इज योर आंसर बेटा। 3 फ्रैक्शन डेफिनेटली आप उनको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ एट्थ पार्ट है आपके पास, अब जी बच्चे इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे आप 8/9 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 15/28, यहाँ पे 8 आ गया। सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया आपने बिल्कुल ऐसे करना है जी, 3 1 × 3 3 3 × 9 2 1 × 2 2 4 × 8। फर्दर देखिए कैसे सॉल्व हो सकता है, 4 ये 4 है आपके पास बच्चे, 4 1 × 4 4 कितने ज़्यादा बेटर 28 होता है, 4 7 ज़्यादा 28, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7, 3 1 × 3 3 5 times। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास न्यूमिनेटर पर चेक करें 1 1 and 5, मतलब 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 5/1 1 1 ज़ार 1 7 times 7, दिस वन इज योर आंसर बेटा। सेम है इन सारे क्वेश्चन, इनमें कुछ भी नया नहीं है आपके पास, एज इट इज आपके पास बेटा 9 10 11 12 क्वेश्चन है। अब हम करते हैं 9th स्टूडेंट, 9th पार्ट है आपके पास 8/125 / 16/75, रेसिप्रोकल में चेंज हुआ बेटा, 8 1 ज़ार 8 8 2 टाइम 16, ये 2 आ गया, जिसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 5 पे सिंप्लीफाई किया, 5 1 टाइम्स 5 7 में से 5 आपका 1 पे गया तो 2 यहाँ पे करीब 25 5 टाइम्स 25 15 आ गया, 5 2 टाइम्स 10 5 5 टाइम्स 25। नाउ थर्ड स्टेप इज 3 5 3 टाइम्स 15 and 5 5 टाइम्स 25, न्यूमिनेटर में 3 1 टाइम्स 3 5 2 टाइम्स 10, 1 / 5 - 2 / 5 - 10 - 10 - 10 / 32 बेटा, ब्रैकेट्स ओपन की माइनस के साइन साथ है आपके पास, माइनस माइनस भी कैंसिल लॉ में आ जाएगा जब आप उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 5 1 टाइम्स 5 5 2 टाइम्स 10 0 आ गया, देन 5 1 टाइम्स 5 5 4 टाइम्स 20 2 1 टाइम्स 2 and 2 16 टाइम्स 32। अब देखिए माइनस माइनस आपका सिंप्लीफिकेशन में पॉजिटिव में भी चेंज हो सकता है और इसके अलावा कैंसिल भी हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कैंसिल में लेकर जा रही हूँ, जो आपने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 4, डिनोमिनेटर को किया 16। अब देखिए 4 और 16 4 टेबल के सेम के मल्टीपल्स है, 4 1 टाइम्स 4 and 4 4 टाइम्स 16 = 1/4 आंसर। 9th पार्ट 1/1000 / (-1/100) 1/100 आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसको न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, आपने सिंप्लीफाई किया आपने 0 0 से कैंसिल हुआ, न्यूमिनेटर में अगर आप चेक करें माइनस वन आ रहा है, माइनस साइन डिवाइडेड बाय 10, ये जो आपके पास रिमेनिंग है दिस वन इज योर आंसर। -1/2 / 2 / 3 / 5 / 5 / 5 सबसे पहले आपने रेसिप्रोकल चेंज किया लास्ट में -1/2 / 2 / 3 / 5 / -40 / 51 के साथ
कंप्लीट एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3. ओके, अल्लाह हाफिज़.